नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने थाना एतमौदौला में ओवैसी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना एतमौदौला के बाहर असदुद्दीन ओवैसी का प्रतीकात्मक पुतला भी फूंका है। कहा, भारत में रहकर विरोधी देश के नारे लगाने वालों को देश से किया जाए बाहर और मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है। तो जानिए पदाधिकारियों से क्या कुछ कहना है इसको लेकर, किस प्रकार हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर हिंदूवादियों ने आक्रोश प्रकट करते हुए उनका प्रतीकात्मक पुतला फूंका है और कार्रवाई की मांग को लेकर थाना एतमौदौला में देखिए किस प्रकार तहरीर दी है। जानिए पदाधिकारियों से क्या कुछ कहना है इस पूरे आयोजन को लेकर। छोटा नाम है गोपाल चाहर और अखंड भारत हिंदू संस्थान का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। गोपाल जी, आज ओवैसी का पुतला रह गया, क्या मांग है आपकी? क्या वजह? हमारी मांग ये है कि ओवैसी सांसद होते हुए देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद के अंदर उन्होंने ओवैसी ने कहा कि फिलिस्तीन जिंदाबाद। आखिर फिलिस्तीन जिंदाबाद क्यों कहा? देश के 140 देशभक्त लोगों, 140 करोड़ देशभक्त लोगों के मुंह पर तमाचा है और ये बहुत ही गंदा कार्य है। आज यह फिलिस्तीन की बात करते हैं और कल को वो देश को तोड़ने का काम करेंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों का है, वो सांसद को ओबीसी को खुले रूप से संरक्षण दे रहा है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था हो, संवैधानिक व्यवस्था हो, ओबीसी को राष्ट्र हित में तत्काल प्रभाव से संसद की पद की गरिमा से निष्कासित कर देना चाहिए। तो मेरा नाम मीना दिवाकर है, हिंदू महासभा से मैं प्रांत की अध्यक्ष हूँ। ये सोने के टॉक्स मैंने इसलिए उतारे है कि जैसे वो नारे लगा रहा है, जो मतलब विरोधी बात कर रहा है, आज वो संसद में बैठ के जिस तरीके से बात कर रहा है उसका दुख सब हिंदूवादियों को, पूरे देश में हर जगह मुकदमा लिखाया जा रहा है उसके खिलाफ। बस मैं एक ही बात कह रही, आज उसका पुतला हमने इसलिए जलाया है कि हमने एतमौदौला थाने में मैंने एक तहरीर दी है जिसमें मुकदमा कायम करने की मांग की है। इस तरह के साथ थे वो कितनी देर में कार्रवाई करते हैं और अगर उसको जल्दी से जल्दी, मैं अपनी सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। संजय जाट, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा। देखो, जिस तरीके से ओवैसी ने माननीय संसद की गरिमा को दूषित किया, भंग किया, ओवैसी ने कहा जय फिलिस्तीन, तो जय फिलिस्तीन कहकर क्या वो प्यार दिखाना चाहता है? क्या हैदराबाद को तेलंगाना को फिलिस्तीन में मिलाना चाहता है? आज हम लोगों ने थाना एतमौदौला में तहरीर दी, पुतला दहन किया है। पुतला दहन के साथ हमने सांकेतिक पुतला दहन के बाद ओवैसी को कहा है कि अगर तुझे इतना फिलिस्तीन से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है, तू 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाने की धमकी देता है तो क्या संसद में तू इसीलिए सुन के आए था? क्या इंडिया के जो गठबंधन के सांसद इसी तरह चुन के आए थे कि ऐसे दूरदान परिणाम दिखाने के लिए यहाँ पर जो किया है? आज हम लोग तहरीर दिया, मुकदमा कायम कराने के बाद इसको जेल भेजने का काम आगरा किया थाना एतमौदौला पुलिस करेगी, लेकिन किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन या भारत माता विरोधी के नारे नहीं लगने दिए जाएंगे। पंडित जी, और इसी के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान सिविल न्यूज।